बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लास पे। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। कैलकुलस दो पार्ट होता है, उसका पहला पार्ट डिफरेंशिएशन होता है, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग पढ़ा चुके थे, हम बता दिए थे तुम लोगों को, और डिफरेंशिएशन टॉपिक खत्म हो चुका है। अब टॉपिक स्टार्ट करना था इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी एक टॉपिक आता है, जो है ना क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन की उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इंग्लिश तो है, हिंदी होता है समाकलन। इंग्लिश में है ना, है इंग्लिश में होता है इंटीग्रेशन, और हिंदी में क्या होता है समाकलन। समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, आप लोगों को पहले से पता भी होगा। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। इसलिए हम यहाँ पे नोट किए हैं इसका परिभाषा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखिएगा, यह इंटीग्रेशन जो होता है वह डिफरेंशिएशन का ठीक क्या होता है? उल्टा होता है। तो बिना डिफरेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको है ना डिफरेंशिएशन आ रहा है तब यह आपको इंटीग्रेशन भी है समझ में अच्छा से आएगा, अन्यथा आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसे, है ना। वैसे अच्छा तो जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना उसी का इनवर्स प्रोसेस, उसका उल्टा विधि जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। यह जो है वह ऐसे इंटीग्रेशन का साइन है। क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। ऐसे करके कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन का साइन कहा जाता है, बल्कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या देखिए, इंटीग्रेशन के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या एक प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। फर्स्ट इज नोन एज, अर्थात पहले को किस नाम से जाना जाता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड इज नोन एज, सेकेंड को किस नाम से जाना जाता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इज नोन एज एस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकेंड इज नोन एज एस डिफिनिट इंटीग्रेशन। अर्थात इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए हम डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल लेके आपको है ना समझाने का प्रयास करना। ठीक है, एक जहां क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का ही है। यहाँ पर ऐसे करके इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिख दिए साइन एक्स और डी एक्स लिख दिए। ठीक है, और एक अगला एक क्वेश्चन है वहां पर लिख दिया साइन एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स है, और ऊपर दे दिए ऐसे पाई बाई टू और नीचे दे दिए जीरो दे दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए हम, तो यह जो है ना क्वेश्चन है वह जो है वह इनडिफिनिट का है। वो क्या किसका है? इनडिफिनिट का। और निचलता जो क्वेश्चन है अर्थात सेकंड जो क्वेश्चन है वह डिफिनिट का है। अब भैया कैसे आपको पता चलेगा कि इनडिफिनिट या डिफिनिट है? या देखिए, डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, इनडिफिनिट का मतलब होता है नो फिक्स, अर्थात उसका फिक्स वैल्यू नहीं है। और याद रखिएगा, नीचे वाला को हम लोग लोअर है ना वैल्यू बोलते हैं, ऊपर वाला को अपर बोलते हैं, अर्थात ये लिमिट मान है या लोअर मान है और यह क्या है ना अपर मान है। इसको निचल का निम्न बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, ये लोअर हुआ, क्या हुआ? अपर हुआ। तो यहाँ पर क्या ये लिमिट और लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट भी बोलते हैं और अपर लिमिट भी बोलते हैं इसको। और यह जो ऊपर में कुछ लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो उसको हम लोग है ना इनडिफिनिट बोलेंगे, लेकिन कुछ लिखा हुआ होगा अर्थात यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट की जगह पर जीरो दिया हुआ है, अपर दिया है उसके जगह पर क्या लिखा हुआ है ऐसे, है ना, क्या लिखा है? पाई बाई टू लिखा हुआ है। तो जब बाउंड्री दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, और जब नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला जो है वह क्या है? वह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और दूसरा जो है वह क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन का उदाहरण है। अब इसको कैसे बनाया जाएगा वो हम आगे आपको सिखाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन, आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे बात समझ में आया कि नहीं? बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगा, हम पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा से देखिएगा सीधे से। यह जो उदाहरण है वह इंडिफिनिट का है, और यह जो उदाहरण है किसका है? वह डिफिनिट का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन वास्तव में क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, यह सब
बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या होता है तो बताइएगा, डिफरेंशिएशन जो होता है ना उसी का उल्टा जो विधि होता है उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अर्थात इंटीग्रेशन इज नोन एज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थात इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इज है नोन एज ए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड इज नोन एज ए डिफिनिट इंटीग्रेशन। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन में है ना कुछ फॉर्मूला होता है, दिया है कुछ फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के हम लोग सवाल नहीं बना सकते। आप लोगों को पता होगा हम लोग मैथ से भी है ना मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं तो मैथ का क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्मूला पर लगभग आधारित रहता है। सौ पर है ना लगभग समझिए कि 100% क्वेश्चन ये फॉर्मूले को होता है। मैथ बराबर फॉर्मूला, मैथ का मतलब क्या होता है फॉर्मूला। अब बिना फॉर्मूला के मैथ तो चलवे नहीं करेगा, ऐसे तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको इंटीग्रेशन का सवाल बनेगा। आप लोग पीछे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन में आप लोग याद किया होगा 17 हथियार 5 नियम सेटिंग का स्टाइल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। 17 है ना, 17 क्या पढ़े हैं, 17 हथियार 5 नियम सेटिंग का स्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन। उसी को डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे तो डिफरेंशिएशन में इतना हम लोग पढ़ लेते हैं 17 हथियार 5 नियम सेटिंग का स्टाइल तो अब डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाता है, होता ही नहीं होता है। अब वैसे उसी प्रकार जिस प्रकार डिफरेंशिएशन को है ना समझने के लिए उसके क्वेश्चन को हल करने के लिए आप फॉर्मूला याद किए हैं उसी प्रकार इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ फॉर्मूला है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है, अर्थात इसका फॉर्मूला पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है ना वही इंटीग्रेशन का होगा लेकिन क्या होगा उल्टा होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला इसका है cos x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, हम बताए थे सब में इंटीग्रेशन लगा रहेगा, हम बार बार नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे cos x dx तो आप लोग समझ जाएंगे ठीक है। तो पहला है cos x dx, अर्थात cos x का हमको करना है इंटीग्रेशन, बताना है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को पहले से ही पता है हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे हमें बताए थे कि d sin x बटे dx जब रहेगा ना तो उसको हम लोग ऐसे इसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं cos x, हम लोग पढ़े हुए कि नहीं। और उसमें हम आपको बताए थे साइन के साथ जितना लगा रहेगा उतना ही नीचे में रहेगा तब ये इसका वैल्यू cos होता है, होता है कि नहीं होता है। पूरा टू कॉपी वही बात यहाँ पर भी है। इंटीग्रेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन जब निकालेंगे cos x dx का तो याद देखिएगा इधर x है तो इधर x से होना चाहिए तब ये उसका इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला अप्लाई होगा आता फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर x है यहाँ पे x रहेगा तब ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। इसका पहला फॉर्मूला है cos x dx, इसका हो गया sin x और प्लस में सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। अब कहेगा सर सी क्या होता है, तो सी कांस्टेंट है बाबू, सी क्या है कांस्टेंट है। अब कैसे आ गया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे ठीक है। अब यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होगा माइनस में कॉस एक्स, आपको पता होगा अभी हम दो फॉर्मूला ही बोले हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स होगा। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन आप जब याद किए हुए थे उसका फॉर्मूला जब याद किए हुए थे तो उसका पहला फॉर्मूला यह था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का जब हम लोग रहना है क्या करते हैं डिफरेंशिएशन याद करते हैं तो कॉस एक्स होता है। अभी हम बताएं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। तो कॉस एक्स का जब है ना इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो वही पॉइंट का है कि नहीं है। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला हम लोग जो याद किए हुए थे उसमें याद किए थे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, याद होगा आपको कॉस एक्स का हम लोग जब डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं तो क्या होता है माइनस में साइन एक्स होता है। उसी प्रकार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम ज्ञात करना इंटीग्रेशन ज्ञात करना चाहते हैं इसका माइनस इधर आ जाएगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गया होगा कि यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा ना तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रखना काफी आसान है कि नहीं है। इसलिए पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तब उसको उल्टा कीजिएगा तो वह इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फिर देख लीजिए, याद होगा आपको डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, यहाँ पर इस समय में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है।
चौथा नंबर उसमें आप पढ़े हुए थे कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे वही बात है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में कॉटेक्स हो जाएगा, बात समझ आई नहीं। उसके बाद sec x * tan x रहेगा तो क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, क्यों क्योंकि आपको पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x * tan x होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही आपका छह फार्मूला पहले डायरेक्ट हो गया। अब इनवर्स पर है, इनवर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है क्या होता है डिफरेंशिएशन में एक बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर उसका उल्टा चलेंगे तो एक बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो है ना इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो एक से लेकर 12 तक पूरा त्रिकोणमिति और इनवर्स पर आधारित हो गया, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 13वां फार्मूला डिफरेंशिएशन में, आपको याद होगा कि के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो के पावर एक्स से निकलता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो के पावर एक्स से आएगा। अब याद कीजिए आप लोग पहले से पता होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बटे एक्स होता है, तो यहाँ पे वन बटे एक्स का जब उल्टा करेंगे अर्थात इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार अब आपको पता होगा x का जब डिफरेंशिएशन करते थे आपको आता था x इंटू लॉग ए आता था कि नहीं, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है ये तो डिफरेंशिएशन में किए हैं अब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लॉग ए कांस्टेंट है तो बटा में आ जाएगा लॉग ए, यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बटे लॉग ए हो जाएगा। अब ये 16वां जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो काफी VVI मोस्ट रिमेम्बर, इसको जरूर याद रखिएगा अवश्य याद रखिए काफी VVI, एकरा बिना कुछ न होने वाला है। आप लोग को याद होगा डिफरेंशिएशन में x के पावर n रहता है n into x के पावर n minus 1, याद है कि सब भूल गया सब याद है क्या, तो यहाँ x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n into x के पावर n minus 1 होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा इसके लिए इंटीग्रेशन में सबसे VVI टॉपिक है x के पावर n का जो इंटीग्रेशन ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा x के पावर n plus 1 बट n plus 1, अर्थात यदि x के पावर n जो देख रहे हैं आप n पावर में जितना रहेगा पावर में एक बढ़ा देंगे और पूरा से भाग दे देंगे, अर्थात n था 10 में एक बढ़ा देंगे 10 plus 1 और पूरा के बटा में हो जाएगा n plus 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर पावर में 5 है तो एक बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा और 6 से उसमें भाग दे देंगे, अगर पावर में 7 दिया हुआ x के पावर 7 है एक बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा 8 से उसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यह काफी इंपॉर्टेंट काफी VVI है। और एक बात याद रखिएगा बहुत ही VVI छोटी सी बात, यहाँ पर जो n जो है ना n जो देख रहे हैं n का मान माइनस 1 नहीं होना चाहिए, n का मान क्या नहीं होना चाहिए माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा क्यों नहीं होना चाहिए माइनस 1, तो सोच के देखिए अगर n का मान माइनस 1 हो गया x के पावर माइनस 1 प्लस 1 तो 0, अगर माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 0, तो x के पावर 0 तो 1 हो जाएगा 1 बटे 0 इंफिनिटी क्या जाएगा इंफिनिटी वाला भाग जाएगा, इंफिनिटी वाला नहीं आपको आना है और इंफिनिटी जैसे आएगा कुछ आएगा उसमें कॉन्स्टेंट जुड़ेगा तो वो तो इंफिनिटी में हो जाएगा तो ना हो जाएगा वो बड़का जगह हो जाएगा वो गलत है। और एक बात और x के पावर माइनस 1 जो है उसको तो 1 बटे x लिख सकते हैं और 1 बटे x लिखेगा तो वो तो log x हो जाएगा और नहीं होगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी वाला नहीं केस होगा ये गलत है, इसलिए याद रखिएगा n का मान माइनस 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि इंफिनिटी में मैंने बहुत बड़का मान खेल देता है वो नहीं होता है, ठीक है n का मान माइनस 1 कभी नहीं होगा इस बात को याद रखिएगा। और dx कहीं पर लिखा रहेगा dx का मतलब 1 into dx, 5 into dx, 6 into dx, तभी तो वो यहाँ पे dx से ना कुछ हो तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 into dx रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। अगर यहाँ पे 2 रहता लिखा हुआ 2 into dx का रहता है 2 into dx तो यह सीधा हो जाएगा 2x plus 3, अगर 5 रहेगा तब 5x हो जाएगा, 7 रहेगा तब 7x हो जाएगा। अब तो यहाँ कैसे होगा इस, चलिए इसका प्रूफ देते हैं, ठीक है इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 into dx लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 into dx, क्या 1 को कुछ बन है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसके पावर 0 into x लिख सकते हैं कि नहीं, तो x के पावर 0 का वैल्यू कौन होता है। अब ध्यान दीजिए वहां पर ऐसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 16वां फॉर्मूला, n का मान माइनस 1 नहीं है चलिए 0 है फॉर्मूला लगेगा, पता है
एक्स के पावर एन प्लस वन, एक्स के पावर जीरो प्लस वन बटे जीरो प्लस वन, जितना रहेगा उतना में एक बढ़ा के उतने से भाग देना है, आर प्लस में सी बराबर है एक्स के पावर क्या हो जाएगा वन बटे वन प्लस सी बराबर एक्स के पावर वन का एक्स प्लस सी। अब देखिए तो साबित हुआ कि नहीं हुआ, एक तो बटा में घट जाता है एक्स प्लस सी, तो वन इंटू डी एक्स तो क्या हो गया एक्स प्लस क्या हो गया सी हो गया, यह इसका प्रूव हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर जू लगता है क्या रहता दू रहता, दू क्या रहता दू रहता, तो पूरा बतवा हम लोग क्या करते दू को पहले कॉमन निकाल लेते, दू निकल जाएगा तो अंदर में डीएक्शन बचेगा और डीएक्स का भी देखिए कि यहाँ कितना था एक्स था, दू से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा डीएक्स न हो जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यही 17 फार्मूला है, इसी 17 फार्मूला के आधार पे हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी और फार्मूला सब है, यह है ना ये सिंपल सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला हुआ, अभी और फार्मूला सब आएगा, मैं बड़ी भैया ना डिफरेंशिएशन से ज्यादा फार्मूला से इसमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशिएशन से कुछ बड़ा चैप्टर सब भी है इसमें, बहुत सवाल सब भी है इसे बनाना है, इसका नया नया फार्मूला सब मिलेगा, फिर धीरे धीरे चैप्टर जैसे जैसे है ना खत्म होते जाएगी वैसे वैसे आप लोग को हम फार्मूला बताते चलेंगे, ठीक है। तो अभी तत्काल में आप लोग को आज का पहला क्लास था इंटीग्रेशन का, जिस क्लास में आप लोग को हम दिखाए हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके क्या प्रकार होता है, उसके टाइप्स को हम लोग है ना देखे हैं, और यहाँ पर कितना वीवीआई क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत होगा, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग बताए हैं, यहाँ पर 17 फॉर्मूला है, इस 17 फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ना तब इसके पर है ना, जब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब जाके आप इससे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवालों के साथ, पहले इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस पर ना क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है, और सवाल बनाने का विधि बताएंगे कैसे कैसे आपको सवाल बनाना है।